नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन, आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने विवादित बयान में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को नेपाल में स्थित बताया है। उन्होंने नया सांस्कृतिक तनाव फैलाने की कोशिश की है। बताते चले कि अभी चीन के हाथों की कठपुतली बना हुआ है नेपाल। नेपाल में तेज बारिश के बाद तराई के सभी नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर बिहार की नदियों में उफान आने से कई जिलों के लोग दहशत में आ गए हैं। कमला, बलान, बागमती, करे, लखनदेई एवं अधवारा समूह की नदियां उफान पर होने से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बन गई है। बिहार में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच अब बिहार को फिर से लॉकडाउन करने की बात सामने आ रही है। आज इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग करेंगे। लेकिन इस बीच खबर यह है कि पटना के डीएम के गोपनीय शाखा और अन्य विभागों के 14 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, कटिहार समेत पूर्वांचल के जिलों की हालत पर गंभीरता पूर्वक नजर रखी जा रही है। इधर कोसी नदी का रूप भी विकराल होता जा रहा है। फसलों तथा जान माल के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। राहत की चाहत में बाढ़ पीड़ित लोग परेशान होते दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को सुबह के 9 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में कई जगहों पर भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है। कोरोना संक्रमण का लगातार बढ़ रहा दायरा शासन प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब बनता जा रहा है। नए नए इलाके में हर रोज कोरोना फैलने से आम जन परेशान है। खासकर सरकारी दफ्तर में कोरोना के तेजी से फैलाव ने सरकार की नींद उड़ा दी है। बिहार के कई बड़े अधिकारी अब घर से कामकाज करने पर विवश हो रहे हैं। कोरोना जांच में शिथिलता का आरोप लगाते हुए बिहार विपक्ष के नेताओं ने नीतीश कुमार पर फिर एक बार हमला बोला है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार से न ही कोरोना की जांच हो रही है और न ही बाढ़ की रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लिया है वे लोग मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए गाइडलाइन पर गंभीर हैं। लेकिन आज भी कई जगहों पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में लापरवाही बरती जाने से लोगों के बीच संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि लापरवाह लोगों से दंड वसूली का प्रावधान भी है, लेकिन फिर भी लोग आज उद्दंडता से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार को पटना स्थित महावीर मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता था, लेकिन इन दिनों ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था के चलते लोग अपने घर से ही संतुष्ट हो जा रहे हैं। केवल पुजारी को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई है। महावीर आरोग्य संस्थान का ओपीडी सेवा फिलहाल 19 तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। कंकड़बाग कॉलोनी स्थित केंद्र में तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी और ओपीडी सेवा की कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर फिलहाल बंद कर दिया गया है।